दोस्तों, इंडिया में बुलेट ट्रेन्स का इंतजार हम सबको है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्रोजेक्ट, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनाया जाना है, वो अपनी डेडलाइंस को दो बार मिस कर चुका है। और जिस प्रोजेक्ट को 2023 में कंप्लीट होना था, उसके फर्स्ट फेज के लिए नई डेडलाइन 2026 रखी गई है। दोस्तों, ये हाई स्पीड रेल टोटल 508 किलोमीटर की डिस्टेंस को 320 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कवर करेगी, जिसमें से महाराष्ट्र में 155.76 किलोमीटर, यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली में 4.3 किलोमीटर और गुजरात में 348.04 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे रूट में 12 स्टेशन को प्लान किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र में मुंबई, थाने, विरार और बोईसर हैं, और गुजरात में वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती हैं। इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल बजट ₹1,08,000 करोड़ है। एंड जस्ट टू मेंशन, 2022 में हमारा पूरा रेल बजट ₹1,40,000 करोड़ है।